आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर फॉर्मूला। तो एरर फॉर्मूला में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन से है कि हमारे पास नंबर्स दिए हैं, उनके नेम दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे 73 का नेम पता करना है, तो आप जाहिर सी बात है इसके लिए आप जो है वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप कॉमा 2.0 से पता चल जाएगा 73 का नाम क्या है। 74 नहीं, तो मुझे एक देखना है कि 74 के नियरेस्ट कौन सा है, उसका नाम आ जाए। 74 का नियरेस्ट कौन सा है, उसका नाम आ जाए। हेलो, कैसे करेंगे? तो देखिए, अब एरे अगर आपको समझना हो तो पहले उसका मैनुअल वर्क समझे, फिर उसको एरे में करें। तो मैनुअल में हम क्या करेंगे कि 74 माइनस हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम एवीएस में कैलकुलेट करेंगे, एवीएस में करेंगे ताकि एब्सोल्यूट रेफरेंस निकल जाए, क्योंकि नियरेस्ट ऊपर नीचे दोनों होता है ना, इसलिए तो माइनस को प्लस में कर देगा। इसमें से हम सबसे मिनिमम नंबर लेंगे, मिनिमम नंबर लेने के बाद 1 आ गया। अब इस 1 का डेटा यहां पे लेके आए, वीलुकअप के अकॉर्डिंग या मैच इंडेक्स अकॉर्डिंग जो भी कहिए। तो इसको करेंगे कैसे, तो यहां पे लगेगा फॉर्मूला मिनिमम, मैच क्योंकि हमें रो नंबर चाहिए ना, मैच, मैच में लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पे डाल दिया मिनिमम, और मिनिमम में हमने डाल दिया कि 74 माइनस हमने अपना डेटा, लेकिन इसको डाला किसमें, एवीएस में, एवीएस। ठीक है, और किसमें लुकअप करना है, तो लुकअप करना है एबीएस 74 मतलब E5, यहां लिखता हूं E5 माइनस हमने इस नंबर को लिया, इसमें लुकअप करना है, और यहां पे कॉमा एग्जैक्ट लुकअप होना चाहिए। मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं तो 3 नंबर आ गया। मैं इसके ऑफसेट लगा दूं या इंडेक्स मैच लगा दूं, ऑफसेट लगा देता हूं, ऑफसेट, ऑफसेट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, और हमने बोला तीसरा नंबर रो एंड दूसरा नंबर कॉलम, ये पहला नंबर कॉलम है। कविता आ रहा है, आ गया ना कविता, समझे? अब यहां पे मैं सिर्फ 80 करता हूं, 80 का नीतू आ रहा है, 15 करता हूं तो 15 का इंदर आ रहा है, पांचवे नंबर पे इंदर है ना, समझे कि नहीं आप लोग, यूसुफ जी? ये वी लुकअप ने नियरेस्ट निकाल के दिया, क्या निकाल के दिया, नियरेस्ट। तो कंसेप्ट क्या था, कि कंसेप्ट ये था कि सबसे पहले कि जो नंबर ढूंढ रहा है उस नंबर से सबको माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें से सबसे मिनिमम नंबर को निकालेंगे, वो नियरेस्ट डिफरेंस आएगा, और फिर उस डिफरेंस के हिसाब से हम उसका पोजीशन निकालेंगे, और जब मुझे पोजीशन पता चल गया मैच के थ्रू, रोड नेक्स्ट नंबर पता चल गया, तो फिर हम यहाँ पे उसका नाम को ले सकते हैं।
सॉरी सर। तो पहले एग्जांपल समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं? सर ये जो ऑफसेट ये से जो थोड़ा क्या तो रिपीट कर देंगे सर? क्या तो रिपीट कर देंगे सर? एक मिनट, ऑफसेट डेटा ले रहा है ना सर, सिंपल सा। यहाँ पे A3 से लेके यहाँ से 1 2 3 और बस इसे इंडेक्स करता है। और ऑफसेट में दिक्कत है तो आप इंडेक्स लगा लीजिए। क्या इंडेक्स? इंडेक्स तो पता ही ना, इंडेक्स पता? जी 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 हमने एज से ले लिया हुआ है, ये फोर्स हेडिंग ले लिया। चलिए आगे बढ़े, अगला टॉपिक देख लीजिए। जैसे मेरे पास डेटा है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सुजीत डेटा है जिसमें यहां मान लीजिए कि उसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। मुझे इसमें से नंबर को स्ट्रैक करना है। ठीक है, जो नंबर है 1251 इसको स्ट्रैक करना। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, चलिए एरे से करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करें इसको, मैं इसको हटा देता हूं। तो मैनुअल कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले तो मैं यहां मिड का फॉर्मूला लगा हूं, मैनुअल कंसेप्ट समझा रहा हूं। मिड के फॉर्मूले में मैं यहां पे क्या करेगा मिड का फॉर्मूला, कि जितने भी करेक्टर है उसको अलग अलग तोड़ देगा। अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ दिया। फिर मैं क्या करूंगा कि इस पे मल्टीप्लाई बाई 1 कर, और फिर इसको यहां मल्टीप्लाई 1 न करके मैं इच टेक्स्ट भी कर सकता हूं, इच नंबर, सॉरी इच नंबर। इस नंबर में दिक्कत यहां पे ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 या प्लस 0 कर दीजिए।
क्या करेगा कि जो भी नंबर नंबर होगा वो ट्रू आएगा, ट्रू आ गया। मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैच में बोलूंगा कि ट्रू को इसमें ट्रू को मैच करो इस लोकेशन से, कॉमा जीरो सेवन आ गया। और फिर मैं यहां काउंट इफ को करूंगा कि काउंट इफ इसके अंदर ट्रू को काउंट करो, तो मुझे पता चल गया कि मेरा नंबर सात में से स्टार्ट है और चार करेक्टर है। हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, मिड इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा कि सात में से स्टार्ट करो चार करेक्टर आ गया नंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें क्या हुआ सीक्वेंस में नंबर होना चाहिए, मान लीजिए बाद में बीच में भी कहीं नंबर हुआ तो फिर उसके लिए कोई और फॉर्मूला सोचना होगा, तो फिलहाल उस पर हम नहीं जाते इतना कॉम्प्लिकेटेड पे। अब यहां इसको एक सेल में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मैच कोड लगाता हूं, मैच मैच में मुझे ट्रू को लुकअप करना है इसमें, तो मैंने यहां पर दे दिया इज नंबर इज नंबर इज नंबर में मुझे देना होगा मिड, मिड में मुझे सिलेक्ट करना होगा इसको कॉमा, मैं देता हूं कॉलन और करेक्टर वन मल्टीप्लाई बाय वन कंट्रोल शिफ्ट सेवन आ गया। और फिर मैं सेम करता हूं काउंट इफ, दोबारा देख लीजिएगा कैसे कर रहा हूं मैं काउंट इफ, काउंट इफ में मुझे काउंट करना है किसको इज नंबर में हमें सिलेक्ट करना है मिड, मिड में हमको सिलेक्ट करना है इसको और फिर करना है कॉलन कॉमा वन मल्टीप्लाई बाय वन क्राइटेरिया में हमने बोल दिया ट्रू। काउंट इफ डायरेक्ट नहीं लगेगा सर, काउंट इफ आपका डायरेक्ट काउंट इफ एरे को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें इसको डायरेक्ट मिड फॉर्मूले में ही लगाना है। मिड मिड में हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, हमारा स्टार्ट नंबर ऊपर है और नंबर ऑफ करेक्टर में हम यूज करेंगे फॉर्मूला काउंट इफ, काउंट इफ हमने इसमें दिया रेंज, रेंज क्या होगा तो रेंज होगा यहाँ पे इज टेक्स्ट इज नंबर होगा ना इज नंबर में मिड, मिड के अंदर में हमने इसको सेलेक्ट करके दिया कॉलन वन बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन ताकि नंबर का कन्वर्ट हो जाए। अब क्राइटेरिया में हमने बोल दिया ट्रू, यहाँ पे कंट्रोल कॉलम के जगह पे मैं रो देता हूँ, रो 5
इसका एक और उपाय है, मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ और सम के अंदर ये चलिए सम कर देता हूँ और सम में मैं देता हूँ इज नंबर और इसमें वैल्यू हो जाएगा मिड, मिड में हो जाएगा ये आपका स्टार्ट नंबर हो जाएगा कॉलन और यहाँ पे कॉमा वन मल्टीप्लाई बाय वन करके हाँ इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो इज नंबर है इज नंबर के वैल्यू को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई बाय वन करना पड़ेगा क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स तो ही हो पाएगा, ट्रू फॉल्स तो सम नहीं करता ना सम, तो मल्टीप्लाई वन करने से ट्रू वन बन जाएगा फॉल्स जीरो बन जाएगा। अब आ गया आपका नंबर समझे, तो यहाँ काउंट इफ वर्क नहीं किया तो काउंट इफ में की जगह पे हमने क्या कर दिया सम लिया, इस सम हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया ताकि ट्रू जो है वन बन जाए और फॉल्स जीरो बन जाए, तो जिससे क्या हुआ तो पता चल गया कि नंबर ऑफ करेक्टर कितना है और सेम प्रोसीजर हमने यहाँ बनाया। तो दोनों फॉर्मूला को आपस में मर्ज कर दीजिए, ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन जाए। ठीक है सर, इसका आप ये प्रैक्टिस कीजिए। ओके कुछ बना के भेजिए आप लोग, मैं सिर्फ बनाए जा रहा हूं, आपको कुछ भेज ही रहा है मुझे। मैं चाहता हूं कि चार पांच एरो फॉर्मूला आप लोग भी लगा के भेजिए। ठीक है मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग लगाइए। चलिए